दोस्तों, डेंटल ओपीजी और डेंटल सीबीसीटी एक्सरे क्या है और उसका महत्व डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट में कैसे होता है, तो मैं डॉक्टर मयूर खैरना प्रिसिजन डेंटल वर्ल्ड से आपका फुल माउथ इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आज इस वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार के डेंटल एक्सरेस के बारे में जानकारी दूंगा। तो देखिए कि यूजुअली डेंटल के काफ़ी एक्सरेज होते हैं, उनमें से ये तीन बहुत कॉमन एक्सरे माने जाते हैं जो डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी बार यूज़ किए जाते हैं। तो डेंटल आईओपीए एक्सरे और डेंटल ओपीजी एक्सरे, ये टू डायमेंशनल एक्सरे है। इसमें आपको लंबाई और ऊंचाई दिखेगी लेकिन चौड़ाई नहीं दिखती। चौड़ाई देखने के लिए, जो जबड़े की हड्डी की चौड़ाई होती है वो देखने के लिए हमें जो यूज़ होता है उसे डेंटल सीबीसीटी कहते हैं, जो मेरे बगल में है। ये जो एक्सरे हैं, इस मैं आपको कंपैरिजन कराऊंगा डेंटल आईओपीए और डेंटल ओपीजी में। तो ये जो डेंटल आईओपीए है, ये तीन चार दांतों की ट्रीटमेंट के लिए ठीक है, लेकिन जब हमें ट्रीटमेंट करनी होती है फुल माउथ की या काफ़ी सारे दांतों की और जांच करनी होती है बाकी के हिस्सों की, तो हमें डेंटल ओपीजी का काफ़ी फ़ायदा होता है। तो डेंटल ओपीजी क्या होता है, इस डेंटल ओपीजी में सारे दांतों की इमेज आ जाती है। इसमें इसके अलावा आपके जो जबड़े की जॉइंट है वो भी कवर की जाती है। तो कभी कभी हम एक्सरे में देख लेते हैं कि जॉइंट्स में पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। पेशेंट की जो साइनस कैविटी होती है तो वो कभी कभी एक्सपैंडेड होती है, तो वो साइनस कितने एक्सपैंडेड है वो उसकी जानकारी हम डेंटल ओपीजी में ले सकते हैं। उसी प्रकार जो नस होती है नीचे के जबड़े में, वो नस की जो पोजीशन होती है उसे हम ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रैकिंग होती है ये पर्टिकुलरली टू डायमेंशनल होती है। आप देख सकते हो अभी ये जो एक्सरे है डेंटल ओपीजी एक्सरे, ये डेंटल ओपीजी एक्सरे, ये स्पेसिफिकली कोई यंग इंसान का जिसके दांत काफ़ी सही है, काफ़ी हेल्दी है। लेकिन आप अगर ये देखोगे, एक और एक हेल्दी पेशेंट का मैं आपको एक्सरे दिखाऊंगा, लेकिन उसकी उम्र है 7 साल। तो देखिए, 7 साल की उम्र में दूध के दांत होते हैं। वो दूध के दांत तो दिखते बाहर से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर जो होते हैं अपने दांत, वो परमानेंट दांत के जो जड़ होती है वो अंदर फॉर्म होती रहती है, मतलब बंद, उसकी तैयारी अंदर होती रहती है। तो वो हमें ऐसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन डेंटल ओपीजी में हमें क्लियर कट दिखाई देता है कि आप देख सकते हो ये जो कोई, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपके जो परमानेंट दांत है वो बन रहे हैं और वो धीरे धीरे नीचे आएंगे जैसे जैसे पेशेंट की उम्र बढ़ती जाएगी, उम्र के हिसाब से दूध के दांत गिर के नए दांत में आ जाएंगे। तो ये एक देख लीजिए। लेकिन इसीलिए मैं हम हमेशा कहते हैं कि जो चीज़ दिखता नहीं है उसे देखने के लिए हमें डेंटल ओपीजी की ज़रूरत है। हम हमेशा, हमारे पेशेंट जो हमेशा हमें इंक्वायरी करते हैं वो डायरेक्टली हमें पूछते हैं कि बताइए सर क्या कॉस्ट है। हमारे टीम भी कभी कभी सोचते हैं कि कैसे इन्हें बताएं कि डेंटल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये ट्रीटमेंट है। इससे करने के लिए आपके जबड़े की हड्डी के ऊपर अभ्यास करना उतना ही महत्व है जितना दूसरे के हैं। तो हर इंसान अलग अलग होता है, उसकी जबड़े की हड्डी अलग होती है, उसकी जबड़े की डेंसिटी अलग होती है, सब कुछ विभिन्न प्रकार का होता है। तो ये जानने के लिए आपके डेंटल ओपीजी का भेजना बहुत ज़रूरी है। डेंटल सीबीसीटी भी क्या है वो भी हम बताएंगे। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो पेशेंट है इन्होंने भी इसी तरह हमें इंक्वायरी की, बोले कि ये मेरे दांत हैं, आप बताइए मुझे फुल माउथ इम्प्लांट करना है, मेरे दांत काफ़ी ख़राब है, मैं चाहता हूँ कि फुल माउथ इम्प्लांट करें। तो हमने कहा कि आप ओपीजी निकाल लीजिए, पहले वो मना कर रहे थे, फिर जब उन्होंने ओपीजी निकाला था हमें जो डाउट था वो सही निकला। उनके दांत तो है ऊपर दूध के, लेकिन अंदर जो दांत फंसे हुए हैं ये सब परमानेंट दांत है और इनकी एज आज 21 साल है, बल्कि सब दांत मैक्सिमम 17 साल तक सब दांत बाहर आ जाते हैं, इनके कोई दांत बाहर नहीं है, काफ़ी कम दांत बाहर है। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें दांत अटक गए हैं अंदर, उनको निकालना भी पड़ेगा और फिर प्लान करना पड़ेगा। तो ये हर बार ट्रीटमेंट प्लान चेंज होता है, अनलेस हम आप एक्सरे देखेंगे नहीं तो ये प्लान हम कर नहीं पाते। तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं। अभी ये एक दूसरे केस बताता हूँ, इनमें ये पेशेंट कह रहा है कि ऊपर में राइट साइड के जो पीछे के दांत है वो हमें आप लगा के दे दीजिए इम्प्लांट द्वारा, बाकी तो मुझे ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऐसा बोलने के बाद हम ऐसा नहीं बिलीव कर सकते, हमें उनका एक्सरे देखना पड़ा। एक्सरे देखने के बाद पता चला कि उनके जो ऊपर में है मैक्सिमम दांतों में इन्फेक्शन है, कुछ दांत में सड़न है। तो आप देख सकते हो ये जो सर्कल है ऊपर मेरे ऊपर, उस सर्कल के दांत तो काफ़ी इन्फेक्टेड हो गए, काफ़ी दांत हिल भी रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमने समझ लीजिए कि उन्हें राइट साइड में इम्प्लांट दे भी दिया, तो ये जो दांत है वो तुरंत 1 साल के अंदर गिर जाएंगे और फिर पेशेंट चबाने लगेगा इम्प्लांट के दांतों पर, फिर बोन उस इम्प्लांट को रिजेक्ट कर देंगे। तो आप देखिए ये जो सर्कल है रेड वाले, इसमें भी सब दांत सड़न है, इस सड़न की वजह से दांत में दर्द होता है, दर्द होता है तो इंसान वहाँ से चबाता नहीं है, वहाँ से चबाएगा। तो अभी समझ लीजिए पेशेंट के राइट साइड पे इम्प्लांट बिठा दिए, लेफ्ट में पेशेंट को दर्द है तो पेशेंट राइट से चबाएगा जहाँ इम्प्लांट है वहाँ पे, उस वक्त इम्प्लांट पे लोड आएगा और वो आपको लॉन्ग टर्म सर्विस नहीं दे पाएगा। तो
ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ट्रीटमेंट करो तो पूरी तरह से करो, ताकि ज़िंदगी में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए और कुछ ज़्यादा देखना ना पड़े। तो हमेशा हमारा फोकस ये होता है, तो इसीलिए आपका डेंटल ओपीजी एक्सरे होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो ये भी पेशेंट में इन्हें ये कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ राइट साइड के जो दांत नहीं है वही बिठा के दीजिए। जब हमने उन्हें एक्सरे देखा, हमें उन्हें समझाया कि सब दांत हिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सब दांत काफ़ी कॉम्प्रोमाइज है, अगर ये रखेंगे तो आपके जो बनाए हुए नए दांत हैं वो भी हिल जाएंगे या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में वो माने, इसीलिए ये दांत पूरे निकाले गए और यहाँ पे इम्प्लांट के द्वारा उन्हें दांत दिया। ऊपर जो दिया गया वो सीमेंट रिटेंट था और नीचे जो दिया उसे स्क्रू रिटेंट था। अगर आप जानना चाहते हो सीमेंट रिटेंट और स्क्रू रिटेंट क्या, तो ऊपर आए बटन पर जरूर दबाइए, आप उस लिंक पर चले जाओगे जहाँ पर आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो अभी तक आपने देखा कि डेंटल ओपीजी एक्सरे का महत्व, वो इनिशियली आपको भेजना ज़रूरी है। उसके बाद आपने एक बार ट्रीटमेंट डिसाइड कर ली तो हम सीबीसीटी देखते हैं। सीबीसीटी का महत्व ये होता है कि हमें तीसरी डायमेंशन मतलब चौड़ाई हड्डी की वो पता चल जाती है। समझ लीजिए ये एक पेशेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पेशेंट में सभी दांत ख़राब थे। हमने ये जो नीचे एक्सरे ये उनका लिया गया नीचे एक्सरे है, इसी का हमें एनिमेटेड डायग्राम्स जो ऊपर बनाया है हमने, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब चौड़ाई का मतलब क्या होता है, चौड़ाई मतलब ये जो हम इसे सेक्शन लेते हैं, ये है लंबाई, ये ऊंचाई और ये होती है चौड़ाई हमारी विड्थ, इसे विड्थ कहते हैं। और एक तो पेशेंट में जो चौड़ाई होती है हड्डी की वो एकदम मोटी होगी या बहुत ही ज़्यादा पतली होगी। तो जब मोटी हड्डी होती है तो हमें इजीली इम्प्लांट प्लेस किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई का इम्प्लांट प्लेस किया जाता है। पर अगर हड्डी बहुत पतली होती है तो बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये केस में देख के तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हड्डी है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, लेकिन जब हमने स्कैंस देखा तो आप देख सकते हो कि ऊपर जो सबसे इमेज है जिसमें लाइन्स है येल्लो लाइन्स, वो आप देख सकते हो वो एग्जैक्टली दिखाएगा कि नीचे वो एरिया में किस तरह की आपकी विड्थ दिख रही है। तो ऑलमोस्ट पतली पतली सी हड्डी सब जगह पर अवेलेबल है। तो ऐसे सिचुएशंस में रिट्रीवेबल इम्प्लांट्स डालना या स्क्रू रिटेंट इम्प्लांट्स डालना बहुत ही नामुमकिन है। ऐसे टाइम पे सिर्फ सीमेंट रिटेंट ऑप्शन राइट नाउ अवेलेबल है, तो वो सीमेंट रिटेंट ऑप्शन ही इनमें किया गया। इनमें ऊपर रिट्रीवेबल ऑप्शन और नीचे सीमेंट रिटेंट ऑप्शन दिया गया, अब ये देख सकते हो। और ये है पेशेंट्स के दांत और ये स्माइलिंग उनकी, ये पेशेंट की स्माइलिंग इमेज देख लीजिए। ये पेशेंट के फाइनल डेंटल ओपीजी एक्सरे, आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने इसे मैनेज किया। ये पेशेंट्स के सीबीसीटी एक्सरे दांत लगाने के बाद, बिकॉज उधर हड्डी बहुत कम थी, क्योंकि वहाँ हड्डी बहुत ज़्यादा कम थी, हमने वहाँ पे बाइकॉर्टिकल पॉलिश इम्प्लांट प्लेस किया गया और इसे दांत दिए गए। आज पेशेंट्स 2 साल हो गए फिर भी पेशेंट्स काफ़ी खुश है। तो सबसे ज़्यादा इसकी एडवांटेज मैं बता देता हूँ कि जो पेशेंट, समझ लीजिए कि हमारे पास इंक्वायरीज आती है काफ़ी अलग अलग जगह से, पेशेंट्स आते हैं, हमारी जो टीम है वो कोऑर्डिनेट करती है उनके साथ हमेशा, तो उन्हें चेकअप के लिए हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ डेंटल ओपीजी निकाल के व्हाट्सएप द्वारा या ईमेल द्वारा हमें भेज सकते हैं। उसके साथ उन्होंने डेंटल सीबीसीटी निकाला है तो भी ट्रीटमेंट प्लान हम उन्हें, और ट्रीटमेंट प्लान और जो चार्जेस होते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है वो बताया जाएगा आपको। तो किसी को आने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होगा वो है आपका वक्त बचेगा। अगर समझ लीजिए आप कहीं हैदराबाद में हो, हैदराबाद से आप यहाँ आ रहे हो सिर्फ चेकअप के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसे अवॉइड किया जाएगा। आप सिर्फ एक्सरे भेज देंगे और सीबीसीटी भेजने के बाद भी आपको बिना आए यहाँ पे प्लान मिल सकता है। आप आओगे तो डायरेक्टली ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हो, बिना टाइम वेस्ट किए ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका। और ऐसे सिचुएशन में इसकी जो एक्यूरेसी होती है सबसे मेन, तो ये सीबीसीटी और डेंटल ओपीजी की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ट्रीटमेंट प्लान या चार्जेस जानने के लिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले डेंटल ओपीजी एक्सरे या पैनोरमिक एक्सरे को निकालना है, उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार करनी है, वो आप कैसे भी फ़ोटो लेके कर सकते हो, लैपटॉप पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लगा के उस पर एक्सरे लगा के उसकी फ़ोटो लेके भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। उसके बाद आप डेंटल जो सीबीसीटी स्कैन है वो जब निकालने जाओगे तो ये आप फ़ोटो ले लीजिए इस इमेज की, इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो उनको देना है कि आपको 1 मिलीमीटर के क्रॉस सेक्शन चाहिए और मैक्सिला में आपको टेरिगॉइड एरिया और जैगोमा एरिया दोनों फोकस करना है दोनों बाजू में, ये उनको बताना है। साथ में मैंडिबल की जो नर्व है वो नाउ ट्रेसिंग होनी चाहिए नीचे के जॉ में, ये उनको बताना है। सब एरियाज के मार्किंग होने चाहिए और ये सॉफ्ट कॉपी उन्हें
precisiondentalworld@gmail.com पे भेजनी है या drmayurkhannar@gmail.com पे भेजनी है। इसके अलावा वो उनकी जो डाइकॉम इमेज की फाइल है वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, ये सीबीसीटी सेंटर को आप बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आप जो ऊपर है वो देख सकते हो कि हिंदी में किस तरह से हमने केस सीरीज और केस डिस्कशन किया है, जिसकी वजह से आप हमारे मातृभाषा में ही काफ़ी नॉलेज गैदर कर सकते हो। उसके अलावा जो नीचे है वो आप देख सकते हो कि एक पेशेंट कितना खुश हो चुका है डेंटल ट्रीटमेंट करने के बाद। वो यूएस से आए हुए थे, उन्होंने हिंदी में एक अच्छा ओपिनियन दिया है ओवरऑल ट्रीटमेंट के बारे में, तो वो ज़रूर सुनिएगा। और तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, अगले वीडियो में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।